हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री जन कल्याण यानी कि संबल 2.0 योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। ये मुख्यमंत्री जन कल्याण यानी कि संबल 2.0 योजना का ऑफिशियल पोर्टल है। इस पोर्टल के माध्यम से हम आवेदन करेंगे। संबल 2.0 असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। यहाँ पर संबल योजना के लाभ हैं शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन के लिए, दुर्घटनाग्रस्त लोगों के स्वास्थ्य बीमा के लिए, बिजली बिल की माफी के लिए, बेहतर कृषि के उपकरण प्रदान करने के लिए, अंत्येष्टि सहायता के लिए और निःशुल्क स्वास्थ्य देखभाल के लिए, जिसमें प्रसूति योजना भी शामिल है, और साथ ही अनुग्रह सहायता योजना भी शामिल है। अंत्येष्टि सहायता योजना के अंतर्गत 5,000 रुपये, अनुग्रह सहायता योजना में सामान्य मृत्यु सहायता के लिए 2 लाख रुपए और दुर्घटना मृत्यु सहायता के लिए 4 लाख रुपए और आंशिक दिव्यांगता सहायता के लिए 1 लाख रुपए एवं स्थायी दिव्यांगता सहायता के लिए 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है। यहां पर आप नवीन पंजीयन या फिर आप पूर्व में आवेदन कर चुके हैं किंतु आपको अपात्र कर दिया गया है तो आप पुनः पंजीयन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आवेदन करते हैं। यदि आप मोबाइल से आवेदन कर रहे हैं तो मोबाइल के क्रोम ब्राउजर पे ओपन करने के बाद 3 डॉट पे क्लिक करना है। इसके बाद डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करें। अब आपकी मोबाइल स्क्रीन लगभग कंप्यूटर स्क्रीन के जैसे ही शो होगी, इससे आपको प्रोसेस करने में आसानी होगी। आवेदन करने के लिए पंजीयन हेतु आवेदन करें में क्लिक करें। इससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पंजीयन हेतु आवेदन करें में क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपका पेज ओपन हो जाएगा। जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत श्रमिक आवेदन करें। यहाँ पर आपको समग्र आईडी इंटर करनी है। यहाँ पर आपको 9 अंक की समग्र सदस्य आईडी ही इंटर करनी है और यहाँ पर आपको परिवार आईडी इंटर करनी है जो कि 8 डिजिट की होती है। इसके बाद कैप्चा फिल करें। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद समग्र खोजे में क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर शो होगा अंकित की गई समग्र आईडी में आपका ईकेवाईसी उपलब्ध नहीं है। ईकेवाईसी करने के लिए आगे प्रस्थान करें, यानी कि आपके समग्र आईडी में ईकेवाईसी नहीं है, आपको ईकेवाईसी करना होगा। इसके लिए ओके पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर इंटर करना है जो आपके आधार नंबर पे दर्ज है और यहाँ पर आपको दोबारा मोबाइल नंबर इंटर करना है और यहाँ पर कैप्चा फिल करें। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद सदस्य की जानकारी देखें और दर्ज मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करने के लिए अनुरोध करें में क्लिक करें। क्या आप समग्र में मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं, यहाँ पर आप एस पे क्लिक करें। अब आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा, उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद कैप्चा फिल करें। इसके बाद आप प्रमाणित करें और आधार ईकेवाईसी आरंभ करें में क्लिक करें। अब यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल्स शो होगी जिसे आपको चेक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको आधार नंबर एंटर करना है। यहाँ पर आपको सीड आधार यूजिंग आधार ओटीपी को सिलेक्ट रहने देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करना है। आधार नंबर और कैप्चा फिल करने के बाद रिक्वेस्ट ओटीपी फ्रॉम आधार से क्लिक करें। आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड कर दिया गया है। अब आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त हो गया होगा, उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद कैप्चा कोड फिल करें। अब आप ओटीपी और कैप्चा कोड फिल करने के बाद आवेदक के आधार नंबर के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी प्रविष्ट कर एकेवाईसी करें मैं आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल्स शो होगी, यहाँ पर समग्र के अनुसार और यहाँ पर आधार के अनुसार। इसके बाद यहाँ पर आप चेकबॉक्स टिक करें कि मैं अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ एवं जेंडर को समग्र में आधार के अनुसार परिवर्तित करना चाहता हूँ। मैंने अपने ही समग्र आईडी में आधार सीड किया है। चेकबॉक्स टिक करने के बाद कैप्चा कोड फिल करें। चेकबॉक्स टिक करने और कैप्चा कोड फिल करने के बाद अपडेट योर नेम, जेंडर एंड DOV एज पर आधार इन समग्र पे क्लिक करना है। अब आपकी ईकेवाईसी सक्सेसफुल हो चुकी है। यहाँ पर शो होगा प्रिय आवेदक, आपकी ईकेवाईसी की जानकारी प्राप्त हो गई है परंतु संबल पंजीयन अपूर्ण है, कृपया अन्य जानकारी प्रविष्ट कर पंजीयन पूर्ण करें। यदि आपकी ईकेवाईसी पहले से है तो यहाँ से आपको प्रक्रिया प्रारंभ करनी होगी। ओके पे क्लिक करें। यहाँ पर आपकी डिटेल्स शो होगी, यहाँ पर समग्र आईडी के अनुसार और यहाँ पर आधार आईडी के अनुसार। अब यहाँ पर आपको अन्य विवरण से फिल करना है। यहाँ पर श्रमिक का प्रकार सिलेक्ट करें कि आप असंगठित श्रमिक हैं, तेंदुपत्ता संग्राहक हैं या विमुक्त हैं या फिर आप घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति हैं। यहाँ पर हम असंगठित श्रमिक हैं तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे।
आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर आपको शिक्षा सेलेक्ट करना है। यदि आपके पास शिक्षा नहीं है तो आप निरक्षर सेलेक्ट करें। यदि आपके पास शिक्षा है तो आप इनमें से कोई एक सेलेक्ट करें। यहाँ पर आपको नियोजन या व्यवसाय सेलेक्ट करना है। यहाँ पर 38 कैटेगरी दी हुई है, इनमें से आपको कोई एक सेलेक्ट करना है। आप जिस भी कैटेगरी पे आते हैं उसे सेलेक्ट करें। व्यवसाय सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपको इस वर्ष में व्यवसाय में नियोजित कार्य दिवस एंटर करना है कि आपने ये कार्य यानी कि जो सेलेक्ट किया है इस वर्ष में कितने दिन किया है। क्या आप व्हाट्सएप पर सूचना प्राप्त करना चाहेंगे, यहाँ पर आप यस सेलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर आपको व्हाट्सएप मोबाइल नंबर एंटर करना है। यदि आप नहीं चाहते हैं तो आप नो सेलेक्ट करेंगे। क्या आप आयकर दाता हैं, यहाँ पर आपको हाँ या नहीं सेलेक्ट करना है। मेरे अथवा मेरे पति या पत्नी के पास 1 हेक्टेयर से अधिक की कृषि भूमि नहीं है, यहाँ पर आपको हाँ या नहीं सेलेक्ट करना है। यानी कि आपके पास या फिर आपके पति या पत्नी के पास 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि है या नहीं, आपको सेलेक्ट करना है। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको फॉर्म के लास्ट पे आना है। अब यहाँ पर आपको चेकबॉक्स टिक करना है। मैं घोषणा करता या करती हूँ कि मैं संगठित क्षेत्र में जो आपने सिलेक्ट किया है मैं नियोजित हूँ तथा जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत पंजीयन की पात्रता रखता या रखती हूँ। चेकबॉक्स को टिक करें। मैं अथवा मेरे पति या पत्नी किसी सरकारी या निजी नौकरी या ऐसे नियोजन में कार्यरत नहीं हूँ जिसमें सामाजिक सुरक्षा हित लाभ यथा भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, ग्रेजुएटी आदि प्राप्त नहीं हो रहे हैं। चेकबॉक्स को आपको टिक करना है। इसके बाद मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सही है। आपको इस चेकबॉक्स को भी टिक करना है। सभी चेकबॉक्स टिक करने का मतलब है कि आपने सहमति प्रदान की है। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद आवेदन संरक्षित करने में क्लिक करें। अब आपका आवेदन सक्सेसफुल सबमिट हो गया है। यहाँ पर आपका आवेदन क्रमांक है जिसे आपको नोट कर लेना है और प्रिंट भी कर लेना है। इसके बाद ओके पे क्लिक करें। अब आपके आवेदन का श्रमिक भौतिक सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद पात्र या अपात्र कर दिया जाएगा। इसके बाद ही आप संबल कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद आप आवेदन की स्थिति ट्रैक भी कर सकते हैं। यदि आप आवेदन का स्टेटस देखना चाहते हैं तो आप आवेदन की स्थिति पर क्लिक करके स्टेटस देख सकते हैं। आवेदन की स्थिति अभी वर्क नहीं कर रहा है, जैसे ही वर्क करने लगेगा क्लिक करके देख सकते हैं। आवेदन की स्थिति आप हितग्राही डैशबोर्ड पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको वेबसाइट के होम पेज पे जाना होगा और यहाँ पर आपको हितग्राही डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको 9 अंक की संबल आईडी या फिर आवेदन क्रमांक या फिर समग्र आईडी जो कि सदस्य आईडी है एंटर करना है। इसके बाद डैशबोर्ड देखे में क्लिक करना है। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपकी डिटेल्स ओपन हो जाएगी। यहाँ पर शो होगा आपके द्वारा चुने गए सदस्य का संबल हेतु आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आपके आवेदन का भौतिक सत्यापन करने के बाद पात्र या अपात्र किया जाएगा, यहाँ पर आपकी सभी डिटेल्स शो होने लगेंगी। इसके बाद आप प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।